hello everyone good morning how are you all i hope that you all are fine this is mahisha from surat uh, welcome to my youtube channel this video is for standard 10 subject social science chapter 7 part 2 in first video we discuss about what is the need of preservation of cultural heritage and what is the necessity uh, importance of टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ एंड सम काइंड ऑफ एक्ट्स विच मेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन बाई अवर कंस्टिट्यूशन इन पार्लियामेंट टू प्रिजर्व एंड कंजर्व दिस कल्चरल हेरीटेज बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ अवर कंट्री आवर हेरीटेज आवर हेरीटेज गिव्ज अस आइडियाज अबाउट आवर हिस्ट्री तो जो हमारी कल्चरल हेरीटेज है वो हमारी हिस्ट्री की आइडेंटिटी देती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री कितनी प्रॉस्परस थी एंशियंट टाइम में सो दिस इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर हेरिटेज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर रोल टू प्रिजर्व द म्यूजियम्स एंड टू हेरिटेज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया एंड सम ड्यूटीज ऑफ क्लिनलीनेस बिकॉज दिस टाइम इज़ वन ऑफ द क्रूशियल टाइम फॉर द होल वर्ल्ड वी आर सफरिंग विथ कोरोना वायरस एंड दैट हैपन ड्यू टू आवर ओन मिस्टेक अब ये जो भी सिचुएसन है वो सिचुएसन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है कि कहीं ना कहीं हमारे मिस्टेक की वजह से हमारे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हमारे ईगो की वजह से आज हम ये प्रॉब्लम uh, फेस कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ आवर सेल्फ टू प्रिजर्व ऑफ द म्यूजियम सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन ट्रेजर्स थ्रो एक्ट 1876 अब ये डेट्स और सॉरी ये ईयर और ये एक्ट आपको याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में वन टू मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसे हिडन क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर्स हम एवॉड कर देते हैं जब हम उसको स्टडी करते हैं तब तो इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1876 सेवनटी सिक्स मीन्स जो ट्रेड के लिए जो लॉ होता है भारतीय निधि व्यापार कानून इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट का जो uh, हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता है उसके हिसाब से भारतीय uh, निधि व्यापार कानून 1876 सेवेंटी If any citizen suddenly finds any ancient artistic and antique articles from a house, field, wells, lake, etc while digging, then he has to immediately notify to the officer of archaeological department. Yani according to this act, kya hota hai ki, aap koi construction work kar rahe ho. अब वहाँ से कोई एंशियन टाइम का कोई भी आपको आर्टिकल या तो कोई एंटिक या तो कोई पुरानी चीज़ अगर आपको मिली चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या तो घर बना रहे हो या तो आपके फील्ड में हो या तो आप कोई वेल well या लेक कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और वहाँ से अगर आपको कोई भी ऐसी प्रोडक्ट मिलती है तो आपको आपके नज़दीकी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है अदरवाइज़ तो यू यू शुड इन्फॉर्म टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन अगर आप ऐसा नहीं करते हो देन इट बिकम्स क्राइम विथ दिस स्मॉल एफर्ट दे कैन प्रिजर्व वैल्यूएबल थिंग्स विच कुड हैव बीन लॉस्ड ड्यू टू केयरलेसनेस अब ये लॉ बनाने का रीज़न यही है कि केयरलेसनेस का हो या तो कोई एंशियन डिस्ट्रक्शन का हो कोई फ्लड आया हो या अर्थक्वेक आया हो और जिसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट है वो मिसप्लेस हो गई है लॉस्ट हो गई है तो हम उसे वापस पा सकते हैं गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू ऑप्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्सनल और प्राइवेट म्यूजियम्स कंसिस्टिंग एक्सपेंसिव आर्ट आर्टिस्टिक पीसेस अंडर द एक्ट ऑफ 1972। तो ये जो एक्ट है 1972 उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में जितने भी म्यूजियम्स है और ये म्यूजियम्स में जितने भी एंटिक्स रखी है उसका सबका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास कंपलसरी आपको सबमिट कराना है सिस्टमेटिकली अचीव डॉक्यूमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इच स्टेट प्रोवाइड्स बेटर गाइडेंस टू दिस्टरी हिस्टोरियंस एंड रिसर्चर्स अब इस तरह से सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होंगे तो एक स्टेट दूसरे स्टेट कोरोस्पॉन्डिंग करके हिस्टोरियन रिसर्च रिसर्चर्स जो होते हैं उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं म्यूजियम्स परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ प्रिजर्विंग वैल्यूएबल थिंग्स केयरफुली तो म्यूज़ियम एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे एंटिक्स और जो भी एंशियन प्रोडक्ट्स है उसको हम सेफली रख सकते हैं द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द म्यूज़ियम्स तो अगर हम हमारी कंट्री के म्यूज़ियम्स की बात करें तो अगर आप यहाँ टेक्स स्लाइड पे देखोगे तो ये जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर म्यूज़ियम्स के नाम दिए हैं ये ये सब नाम आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ये वीडियो में कि आपको हरेक प्लेस देखने को मिलेगी तो फर्स्ट है नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली तो ये है न्यू दिल्ली का म्यूज़ियम जिसको नेशनल म्यूज़ियम बोलते हैं नेशनल आर्काइव्स भी बोलते हैं जिसको अब दूसरा जो है वो है इंदिरा म्यूज़ियम कोलकाता वेस्ट बंगाल तो ये है इंदिरा म्यूज़ियम कोलकाता में जो वेस्ट बंगाल में फिर थर्ड है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूज़ियम प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई महाराष्ट्र तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूज़ियम है जो मुंबई में है महाराष्ट्र में अब ये नाइट में कितना अच्छा दिख रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो फिर है सलरगंज म्यूज़ियम हैदराबाद आंध्र प्रदेश तो ये ये है सलरगंज म्यूज़ियम आप यहाँ पे क्लीन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कितना बड़ा म्यूज़ियम है फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय प्रदेश भोपाल में मध्य प्रदेश में है तो ये देखिए इतना बड़ा उसका कंस्ट्रक्शन है देखिए कितनी सारी वस्तु इसके अंदर स्टोर होगी वो तो वहाँ आप विजिट करोगे तभी पता चलेगा फिर एक है लाल भाई दलपत भाई म्यूजियम एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ आइडियोलॉजी अहमदाबाद गुजरात तो ये गुजरात में आया है ये देखिए ये उसके अंदर यहाँ पे आप देखिए ये सब पुरानी बुक्स रखी है और ये पूरा म्यूज़ियम है जो बाहर से ऐसा दिखता है फिर नेक्स्ट है आ, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा तो वो मैं, मेरे ख्याल से अगर आप चैप्टर थ्री आ, का वीडियो देखोगे उसके अंदर मैंने वो पिक्चर दी है जो गांधीनगर में है फिर है श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी पाटन गुजरात तो ये हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी जो पाटन में है गुजरात में ये वाली आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ये ये और लास्ट में वडोदरा म्यूज़ियम पिक्चर गैलरी तो ये जो लास्ट में पिक्चर है ये वाला ये वडोदरा वाली गैलरी है पिक्चर म्यूज़ियम है जो गुजरात में है तो ये सब नाम खाली आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखे हैं यहाँ पे आपको ये स्लाइड पे देखने को मिलता है तो ये आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो कि ऐसे वीडियोस देखने से कितना नॉलेज आपका बढ़ेगा और आप उसको आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी शेयर कर सकते हो इसकी लिंक तो जो अननोन पर्सन है शायद आपके फ्रेंड्स में हो पर आप उसे जानते नहीं हो वो भी इसका बेनिफिट ले सके और मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको चैनल को लाइक like करना है सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है जिससे आपको नई इन्फॉर्मेशन नए वीडियो जब अपलोड मैं करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए तो इट इज़ अ कंबाइंड ड्यूटी ऑफ जनरल पब्लिक एंड गवर्नमेंट टू जनरेट अवेयरनेस टूअर्ड द प्रिजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूजियम तो दिस इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बट दिस इज आवर कंट्री एंड ऑल द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन आवर कंट्री दट आर आवर थिंग्स सो वी शुड प्रोटेक्ट सेम लाइक इट इज़ आवर ड्यूटी नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव टू चेंज अवर एटीट्यूड टूवर्ड्स अवर नेशंस हैरिटेज अगर हम हमारा एटीट्यूड बदलेंगे हर एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम ड्यूटी समझेंगे सो वी कैन प्रॉपरली प्रोटेक्ट ऑल द थिंग्स एंड वी कैन पास दिस ऑल द थिंग्स टू अवर नेक्स्ट जनरेसन ऑल्सो ना वॉट इज द दिस इज आवर रोल दिस इज़ वन पिक्चर इज गिवन दैट गिवज़ बिग मैसेज टू ऑल ऑफ अस डोंट बी द फर्स्ट टू स्टार्ट लिटरिंग अगर सबसे पहले हम स्टार्ट नहीं करेंगे हर एक जो सिटीज़ हैं इंडिया का ये ये सोचेगा कि मैं ये गलत काम नहीं करूँगा तो इसका मतलब है कि पूरे कंट्री में कोई भी डैमेज नहीं होगा कोई भी गलत काम नहीं होगा इफ़ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स यूनेस्को एंड एन जी ओज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ टू प्रिजर्व अवर वैल्यूएबल हेरिटेज दैन एज इंडिविजुअल्स वंस शुड प्ले एन इफेक्टिव रोल इन द डायरेक्शन अब जब गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनेस्को एन जी ओज अगर ये सब अपनी ड्यूटीज करते हैं तो ये हमारी भी ड्यूटी है कि ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी इसके पार्ट बने टीचर्स इन द स्कूल एंड कॉलेज शुड इम्पार्ट द नॉलेज ऑफ इंडियंस ग्लोरियस हेरिटेज तो ये आप जो हिस्ट्री पढ़ते हो उसमें आपने देखा ही है और ये स्टार्टिंग के वीडियोज़ अगर आप देखोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी तो मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने आगे की वीडियो नहीं देखे वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन प्रेस करके सर्च करेंगे पहले स्टैंडर्ड लिखना है Uh, फिर चैप्टर नंबर लिखना है और उसका पार्ट वन टू इतना लिखना है बस आप इतना लिखोगे तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा स्टूडेंट्स एज वेल एज कॉमन पब्लिक शुड गेन द नॉलेज ऑफ अनफेमिलियर प्लेसेस मॉन्यूमेंट्स एंशियंट रिमेन साइट्स एक्सेट्रा तो यहाँ पे ट्रैवलिंग की बात है कि स्टूडेंट्स जो आपके स्कूल में पिकनिक uh, दिवाली वेकेशन के टाइम पे होती है उसका रीज़न ही यही है कि आप अनफेमिलियर प्लेसेस से इंट्रोड्यूस हो आपको सब मोनोमेंट्स और एंशियंस रिमेंट्स और साइट्स के बारे में पता चले दिस वुड हेल्प इन द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन तो आप कैसे इसमें हेल्प करोगे तो सपोज आप कहीं घूमने गए हैं तो वहाँ पर आप क्लिनलीनेस का ध्यान रखें कोई भी रेपर या कोई भी पाउच इधर उधर ना फेंके कोई भी ऐसे एंशियंट साइट से वहाँ पर टच करके ना देखें सो यू आर द पार्ट ऑफ दिस ड्यूटी वैल्यूएबल थिंग्स शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ब्रोकन और स्टोलन तो जो भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स है उसको ना ही डिस्ट्रॉय होने देना है ना ही उसको तोड़ना है ना ही उसको चोरी होने देना है स्कूल्स कॉलेज एंड एन जी ओज शुड कंडक्ट प्रोग्राम्स लाइक विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेसिस एंड साइट्स स्पीच एग्जिबिशंस डिस्कशंस सेमिनार्स एक्सेट्रा टू क्रिएट अवेयरनेस टूअ द प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज तो स्कूल कॉलेज में ऐसे फंक्शंस होने चाहिए इफ द स्पसीमैन ऑफ द आर्किटेक्चर्स कल्चर एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट आर डिस्ट्रॉय वंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर दैम टू दरिजनल फॉर्म तो ऐसी पुरानी जो चीज़ें अगर एक बार वो डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर उसको वापस अपने पुराने फॉर्म में लाना बहुत ही डिफिकल्ट है या तो इम्पॉसिबल है सो इट इज़ अवर मॉरल ड्यूटी दैट देस शुड बी नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड शिफ्टेड टू अदर प्लेसिस तो हमारी गवर्नमेंट को एज ए सिटीजन हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी पुरानी एंशंट थिंग जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो और अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे और डेवलपमेंट हो तो ऐसी जो चीज़ें चीज़ें हैं उन्हें अलग प्रॉपर सेफ प्लेस पे शिफ्ट कर देना है अवर कंट्री हैज़ रिच एंड यूनिक हेरिटेज क्योंकि इंडिया में जितनी हेरिटेज है उतनी शायद ही वर्ल्ड के कोई और कंट्री के पास होगी There are many ancient ponds, lakes, wells, step wells, streams, springs, etc., in different places in our country. We should take spe uh, special care of Malwa Lake of Dolka, Ranini Vav of Patan, Well of Champaner, uh, Bhammaryo Well of uh, Mahamdabad, uh, Naugan Well of Junagar, etc., during the monsoon. We should constantly keep an eye on their preservation. तो यहाँ पे अगर आपके लोकलिटी के पास में ऐसी कोई प्लेस है तो मॉनसून के सीज़न में आप वहाँ पे खुद ध्यान रखें अगर आपके ध्यान में कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक कोई सिचुएशन या कंडीशन आती है तो आप वहाँ की अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें और इस तरह से एक यूनिटी में अगर हम एफर्ट करेंगे तो हमारी हेरिटेज को हम लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व रख सकते हैं अब यहाँ पे क्लिनलीनेस के कुछ पॉइंट्स हमें देखने हैं कि क्या है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्लिनलीनेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पिकनिक स्पॉट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर टेकिंग प्रॉपर स्टेप्स फॉर द क्लिनलीनेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अवर पिकनिक स्पॉट्स कॉन्सिडेंटली स्पेशल अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड फॉर इट रिलीजियस हिस्टोरिकल प्लेसिस हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेटर अट्रैक्शन अमोंग द लोकल एज वेल एज फॉरन टूरिस्ट हेज फॉर्थ अवर गवर्नमेंट इज़ अटेंटिव इनफ टूवर्ड इस प्रिजर्वेशन तो हमारी कंट्री जैसे रिलीजियस कंट्री है तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स मॉस्क्यो है वहाँ पर बहुत सारे लोग विजिट पे आते हैं फॉरनर्स आते हैं तो ये गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ का ध्यान रखें और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी वहाँ पर ध्यान रखें तो हमें क्या ध्यान रखना है तो डू नॉट यूज़ प्लास्टिक प्लास्टिक हो सके उतना कम यूज़ करो डो नाट लीटर एट पिकनिक स्पॉट यूज़ डस्टबिन कचरा कहीं पर भी मत डालो डस्टबिन यूज़ करो डो नॉट स्पॉयल हिस्टोरिकल मोनोमेंट्स इधर बाई राइटिंग और ड्राॅइंग पिक्चर्स आप कहीं कोई ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पर जाते हो तो वहाँ वॉल या कोई भी प्लेस है तो वहाँ पर कोई भी ड्राॅइंग या अपना नाम नहीं लिखना है वेस्ट शुड भी प्रॉपरली डिस्पोज डिस्पोज ऑफ कोई भी वेस्ट हो तो उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है डो नाट स्पिट आफ्टर ईटिंग टॉबेको और पान या आप कोई भी टोबेको या पान मसाला खाते हो तो उसको कहीं पे भी स्पीट नहीं करना है डू नॉट पॉल्यूट सराउंडिंग एरियाज ऑफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हिस्टोरिकल मोनोमेंट्स और उसके आजूबाजू के एरिया को भी क्लीन रखना है एक्सटेंसिव केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग मानसून ऑफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स विच कंस्टिट्यूट टेपवेल्स लेक स्पॉन्स स्ट्रीम्स एक्सेट्रा तो ऐसे जो प्लेसेस हैं जहाँ पानी रहता है स्टोर होता है वैसे प्लेसेस में मानसून में ख़ास ध्यान रखना चाहिए बी क्यूटियस वाइल्ड क्लीनिंग मॉन्यूमेंट विथ आर्कियोलॉजिकल केमिकल मेथड तो आर्कियोलॉजिकल केमिकल मेथड से अगर आप क्लीनलीनेस कर रहे हो तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि कुछ डैमेज ना हो सैनिटाइज डोमेस्टिक एंड फॉरेन विजिटर्स टू अवॉइड डैमेज ऑफ आवर हिस्टोरिकल हेरिटेज सॉरी सेंसिटाइज यानी जो भी विजिटर्स यहाँ पे आते हैं डोमेस्टिक हो या फॉरेनर हो उन्हें बता दिया जाए कि अगर कुछ डैमेज हुआ तो उसकी पनिशमेंट कितनी बड़ी है इफ़ नेचुरल डिजास्टर हैज़ कॉस्ड डैमेज टू द हिस्टोरिकल प्लेसेस मेक एफर्ट टू ब्रिंग इट अगेन टू द ओरिजिनल फॉर्म अगर नेचुरल क्लैमिटी की वजह से कुछ डिस्ट्रक्शन होता है तो हो सके उतनी ट्राई करनी चाहिए कि जो भी मैन मोनोमेंट या जो भी प्लेस डैमेज हुआ है वो उसके ओरिजिनल फॉर्म में हम ला सकें इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैंटेन ब्यूटी एंड क्लिनलीनेस ऑफ टूरिस्ट प्लेसेज एज दे ब्रिंग फेम एंड प्रॉस्परिटी टू द नेसन क्योंकि यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं अब अगर ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस डर्टी होगी वहाँ पर कचरा पड़ा होगा तो हमारी कंट्री की इंप्रेशन भी ख़राब होगी और दूसरे फॉरेनर्स नहीं आएंगे और वहाँ वो वेल मेनटेन प्लेस होगी तो ये जो टूरिस्ट आए वो दूसरे को इंफॉर्म करेंगे कि यू मस्ट विजिट टू दिस काइंड ऑफ प्लेसेज

तो हमें पता है कि भाई हमारी कंट्री में कितनी डाइवर्सिटीज़ है रिलीजियस से लेके फूड क्लोथ फेस्टिवल फिर भी हमारी एक यूनिटी है एंड दैट इज द बिग थिंग फॉर द होल वर्ल्ड एज वेल एज आवर ओन सेल्फ बिकॉज इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री विद दिस काइंड ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी बींग वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया हैज़ वेरिड एंड रिच कल्चरल हेरिटेज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज़ इट्स यूनिक आइडेंटिटी इंडिया इज़ अ फाइन एम्लेगमेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी रिलीजन ट्रेडिशन कल्चर एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेराइटी तो ट्वेंटी थ्री लैंग्वेज तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पास की है इसके अलावा लोकल डायलैक्ट्स की बात करने जाए तो पाँच से छः हज़ार टाइप के लोकल डायलैक्ट्स हैं हमारी कंट्री में इतने सारे रिलीजियन हैं इतने सारे कल्चर ट्रेडिशन है और फिर भी हमारी यूनिटी है येट इंडिया स्टैंड यूनाइटेड एंड अनडिवाइडेड तो ब्रिटिश आए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उन्होंने यूज़ की पर फिर भी फाइनली 1947 में हमें हमारी फ्रीडम मिली ड्यू टू यूनिटी इंडिया हैज़ प्रूवड द फीलिंग्स ऑफ वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया फैमिली है दैट वी प्रूव हमारे कंट्री ने ऐसा प्रूव किया है द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली दिस फीलिंग एग्जिस्ट इन इंडिया सिंस वैदिक पीरियड तो ये जो फीलिंग्स हैं वो आज की नहीं है पुराने जमाने से ये फीलिंग्स हमारी है लेट अस गेट गुड थाट्स एंड वाइब्रेशंस फ्राम ऑल फोर डिरेक्शंस इज़ द मैसेज ऑफ रिक वेज विच शो शो केसिस द ग्रेजुअर एंड ग्लोरी ऑफ इंडियन कल्चर इंडिया हैज़ स्प्रेड रिलीजियस टॉलरेंस एंड सेक्युलरिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड तो हमारे कंट्री में हमारे जो लिटरेचर हैं हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन्होंने हमें पॉजिटिव थिंकिंग का ही मैसेज दिया है स्वामी विवेकानंद से इट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस विच हैज़ हेल्ड इन शिकागो यू तो स्वामी विवेकानंद जब यहाँ पे पहुँचे थे अगर आप स्वामी विवेकानंद की बायो बायोग्राफी पढ़ो तो ये जो चैप्टर है उनके शिकागो रिलीजियस वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का वो स्वामी विवेकानंद का टैलेंट हमें दिखाता है और उन्होंने जो वहाँ पे बोला उसके लिए पूरे हॉल में तालियां बजी थी और उन्होंने क्या बोला था आई एम प्राउड टू से दैट आई रिप्रेजेंट अ रिलीजियस डेट हैज़ टॉट द लेसन ऑफ टॉलरेंस कंपेंसन एंड यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी टू द वर्ल्ड तो स्वामी विवेकानंद जी के जो वर्ड थे वो ये थे कि मुझे प्राउड है कि मैं वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिन्होंने रिलीजन के लिए पूरी दुनिया को आ, आ, एक भाईचारे का एक यूनिटी का मैसेज एक लेसन सिखाया है तो ये उनके वर्ड थे दिस इज़ अ सेक्युलर कंट्री सेक्युलर मींस यहाँ पे कोई भी रिलीजन बड़ा नहीं है या कोई भी रिलीजन छोटा नहीं है इन द आई ऑफ लॉ इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मल्टी रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुज़म इस्लामिज़म बुद्धिज़्म जैनिज़म क्रिश्चानिटी इज सीन इन इंडियन कल्चर तो हमारा कल्चर कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच से नहीं बना है हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो क्रिश्चियन हो जैन हो ये सभी ने मिलकर इंडिया के कल्चर को एक सेप दिया है देर फॉर द टॉर्च बियर नेम्ड आवर कंट्री एज भारत वर्स बाई स्ट्रेसिंग ऑन इट्स यूनिटी विच रिफ्लेक्ट्स अपॉन आवर ब्रॉड आउटलुक तो हमारी कंट्री को टॉर्च बियरर माना जाता है रिलीजन के मैटर में अब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे साइको केसेस होते हैं के केसेस होते हैं एंड दे आर फॉलोइंग इंडियन ट्रेडिशंस अब जैसे योग है या इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है दिस कैन सॉल्व द मैनी मेंटल प्रॉब्लम्स एंड दैट इज़ द इम्पोर्टेंस टू गेन दिस टॉर्च बियरर एग्जेक्टिव टूवर्ड्स अवर कंट्री एज अ भारत होली नेम्स ऑफ सेवन सेक्रेड रिवर्स हैव बीन यूज इन अवर प्रेयर्स पीपल इंक्लूडिंग ग्रेट सेक्स सुफी सेन्स स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती एंड महात्मा गांधी ऑलवेज ट्रेस्ट अपॉन पीस कोऑर्डिनेसन एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड तो अब अब अगर यू एन की बात करें तो यू एन में भी हमने, हमने हमारे पंचशील सिद्धांत फाइव प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट हमने दिए हैं जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे तो ये मॉडर्न टाइम की बात नहीं है पर अगर पुराने जमाने से भी जमाने से भी देखा जाए तो आज तक इंडिया ने कभी कोई कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया एंड दिस शोस द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस एंड कोऑर्डिनेशन एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड्स फीलिंग्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर एज एट द एंड ऑफ द डे ऑल द रिवर्स एमलेगेम इन टू द ग्रेट ओशन इक्विलटली अवर कंट्री कॉन्ग्लोम मैरिट्स डिफरेंट रिलीजियस कास्ट लैंगवेज ट्रेडिशंस क्रीड कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स तो जैसे कोई भी रिवर्स स्टार्ट होती है और फिर लास्ट में वो ओशन में जाके मिलती है वैसे ही हमारा कंट्री है एक ओसन जैसा जिसके अंदर बहुत सारे रिलीजियस है लैंग्वेज है ट्रेडिशंस है फेस्टिवल्स है ये सब हमारे कंट्री में वो ओशन जैसे रिव जैसे रिवर ओशन में मिक्स होते हैं वैसे हमारी कंट्री में मिक्स हो गए द पीपल ऑफ़ इंडिया लिव द लाइफ विद द फीलिंग ऑफ को एग्जिस्टेंस तो इंडिया के जो लोग हैं वो को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं द पीपल ऑफ इंडिया हैव कंजर्व दिस क्वालिटी एंड हैव वंडरफुली इनहस इट तो ये हमारी जो क्वालिटी है वो हमने हजारों सालों से मेंटेन करके रखी है और आगे भी हम रखेंगे तो ये चैप्टर की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ तक है इसके बाद ये एक्सरसाइज है एक आपके लिए आपके रिवीजन के लिए अगर इसमें कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो और ये वीडियो देखने के बाद आपका रिव्यू आपको एक भेजना है कि आपको कैसा लगा आई होप कि आपका रिव्यू पॉजिटिव ही होगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये एक्सप्लेन किया है फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कभी भी टैक्स कर सकते हो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करने वाले हैं जोग्रोफी के बारे में ये वन टू सेवन चैप्टर के जो वीडियोस है यहाँ पे आपका हिस्ट्री पोशन कंप्लीट होता है अब एट से लेके फोर्टीन चैप्टर तक जो पोशन रहेगा वो रहेगा आपका जोग्रफ़ी और फिर फिफ्टीन चैप्टर्स से आपका पोशन चालू होता है इकोनॉमिक्स के बारे में जिसके ऑलरेडी फिफ्टीन और सिक्सटीन चैप्टर्स के सब वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए और टेंथ में इकोनॉमिक्स आपके लिए नया कंटेंट है तो आप डेफिनेटली वो वीडियोस रिपीट करें आप उसको देखें और समझें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे टैक्स कर सकते हो जैसे अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि पर कैपिटा इनकम जो है वो मंथली काउंट होती है कि ईयरली तो मैंने उसको रिप्लाई दिया था कि ये पर एन्यम यानी पर ईयर ही काउंट होता है हर साल के लिए अलग अलग रेशियो होता है तो ऐसे कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो आप मुझे टैक्स कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सिस के बारे में आ, बहुत ही सिंपल पोर्सन है ज्योग्राफी का आप वन टू नाइन स्टैंडर्ड जो पढ़ के आए हैं वो वही यहाँ पे पढ़ना है पर जोग्राफी पोर्सन में से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स निकलते हैं दैट इज़ वाई दिस पोर्सन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन So, I hope that you understand everything properly. And if you are having any doubt, you can contact me anytime. You can text me anytime. Till then, stay home, stay safe. God bless you. Thank you very much.